मित्रों, किसी भी राज्य में गवर्नर केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, लेकिन समस्या तब आती है जब केंद्र और राज्य में अलग अलग पार्टी की सरकार हो। वर्तमान में असम में और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार है और वहाँ पर गवर्नर का पद संभाले हुए हैं जगदीश मुखी जी, जो पहले दिल्ली में फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं और हायर एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं। उन्हीं से आज के इस एपिसोड में चर्चा करेंगे और देखेंगे किस प्रकार वो असम को और नॉर्थ ईस्ट को प्रगति के पथ पर लेकर जाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले एक नज़र उनके अब तक के राजनीतिक सफर पर। असम की राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी काफी अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं। दिल्ली की राजनीति में उनके जितने अनुभवी नेता बहुत कम हैं। मुखी ने दिल्ली की जनता के लिए बड़े पैमाने पर काम किए हैं। दिल्ली सरकार में वित्त, योजना, उत्पाद, शुल्क कर के साथ साथ उच्च शिक्षा मंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल चुके मुखी का व्यक्तित्व चहुमुखी रहा है। वो दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रहे, भाजपा पश्चिम जिला के महासचिव और अध्यक्ष, दिल्ली भाजपा के महासचिव और जम्मू कश्मीर और हरियाणा के लिए भाजपा मामलों के प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य भी रहे और बाद में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर दिल्ली विधानसभा के सदस्य बने। राजनीति में आने से पहले मुखी दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। उन्होंने कंपनी लॉ एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस नामक एक पुस्तक भी लिखी। मुखी को दिल्ली विधानसभा में दो बार बेस्ट एमएलए अवार्ड से भी नवाजा गया। केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें विशिष्ट योजना मंत्री का सम्मान भी दिया गया। असम के गवर्नर बनने से पहले जगदीश मुखी अंडमान और निकोबार के उपराज्यपाल थे। इस दौरान उन्होंने अंडमान निकोबार में पर्यटन को बढ़ावा देने और वहीं पर शराब की खपत कम करने की दिशा में उल्लेखनीय काम किया। अपनी राजनीतिक सूझबूझ के कारण इन दिनों वो न सिर्फ असम की तस्वीर बदलने के लिए प्रयासरत हैं, बल्कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जरिए पूरे पूर्वोत्तर की तस्वीर बदलना चाहते हैं। तो ये था राजनीतिक सफर असम के गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी का। आइए बातचीत करते हैं मुखी जी से और जानते हैं किस प्रकार वो असम को और नॉर्थ ईस्ट को प्रगति के पथ पर लेकर जाएंगे। मुखी जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। मुखी जी, प्राय गवर्नर के बारे में माना जाता है कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं होते, सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लेते। आप दिल्ली में वित्त मंत्री रहे, हायर एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे, अब आपको गवर्नर बना दिया गया, तो एक तरह से आपको सक्रिय राजनीति से अलग करके एक ऑर्नामेंटल पोस्ट दे दी गई है। ये एक सोचने का नज़रिया है। मैं ऐसा नहीं सोचता कि गवर्नर का रोल पैसिव है। मैं एक्टिवली मूव करता हूं। असम के 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 33 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मैं एक्सटेंसिवली टूर किया स्टे करके वहां पर, और वहां पर मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनका डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग में स्वयं मॉनिटरिंग की है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैंने मीटिंग्स ली हैं सिक्योरिटी एजेंसीज की, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी मेन एक इशू रहता है। मैंने वहाँ हेड्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स की मीटिंग ली है, मैंने वहाँ मीडिया प्रेस के साथ मीटिंग की हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, मैंने वहाँ पब्लिक में डायरेक्ट ना मिल करके जो पब्लिक में काम करती हैं ऐसी कम से कम 50-60 संस्थाओं के रिप्रेजेंटेटिव को हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुलाकात की है। तो इसमें ये जो आप कह रहे हैं वो कहाँ आड़े आती है बात मिलने में, मैं वहाँ पर सभी ऑफिसर मेरे साथ जाएंगे, मैं हेड ऑफ द स्टेट हूँ, वो अपनी आंखों से साथ देखते हैं। जब मैं विजिट करता हूँ हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, मैं स्कूल विजिट किए हैं, कॉलेज विजिट किए हैं, हॉस्पिटल विजिट किए हैं, ऑफिस कम्प्लेक्स विजिट किए हैं, सब कुछ। तो उन्होंने वहाँ देखा, देखते थे उन्होंने, देवर नॉट सेटिस्फाइड, उन्होंने कार्रवाई भी की है, कहीं एक्शन लिया है, कहीं कार्रवाई वैसे की है। तो उसमें मेरा कोई आदेश नहीं है, मुझे कोई पावर नहीं चाहिए किसी तरह का। किंतु ये जो है कि गवर्नर तो एक सिर्फ उन्होंने सिग्नेचर है उनका, और उन्होंने ये देखना है कि सरकार विधिवत रूप से चल रही है, संविधान के रूप से चल रही है, केवल इतना काम नहीं है। ये निश्चित रूप से काम है, किंतु हमारी ओथ जो हम लेते हैं उसमें सेकंड हिस्सा पढ़िएगा ध्यान से, उसमें यह है
कि इसके अतिरिक्त गवर्नर जो है वो प्रदेश के वासियों के हित में हर संभव कार्य जो करना चाहे करेगा, करना चाहिए उसे, वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके लिए आप जैसे पत्रकार ये पूछ लेते हैं कि जब आपके पास पावर नहीं है आप कैसे करेंगे, मुझे पावर की ज़रूरत नहीं है। मैंने उन्हें बतलाया जब मैं राजनीति में नहीं था, पहली बार भी चुनाव नहीं लड़ा था आज से 45 साल पूर्व, तब भी मैं एक सोशली एक्टिव एक नागरिक होने के नाते से मैं दिन में 25 काम की लिस्ट लेके जाता था अलग अलग ऑफिस के अंदर अपने इलाके की समस्याओं को लेकर के। यूनिवर्सिटी से आते हुए मैं तीन घंटे इसी काम में लगाता था और मेरी उस समय की परफॉर्मेंस होती थी 25 काम में से कम 15, 16, 17 प्रतिदिन काम हो जाते थे। मेरे पास कौन सी पावर थी उस समय, मैं कुछ भी नहीं था, ना इलेक्टेड व्यक्ति भी नहीं था, एक नागरिक के नाते मैं कर सकता हूँ ना, और यहाँ तो मैं हेड ऑफ द स्टेट हूँ तो मुझे कोई अधिकार नहीं चाहिए। मैं केवल प्रशासन का मुझे शौक नहीं वहाँ पर, ना मेरा काम है वहाँ पर, किंतु प्रशासन ठीक चल रहा है उनकी निगरानी करने के लिए, उनकी देखरेख करने के लिए मैं पूरा कोशिश करता हूं कि जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, क्या वो नीचे तक पब्लिक तक पहुँच रही, नहीं पहुँच रही है, नहीं पहुँचती तो सरकार की जानकारी में लाकर उन्हें ठीक कराना मेरा काम समझता हूँ। मैं इस नाते से एक्टिव वहाँ पर रहता हूँ। पहले जब ब्रिटिश राज था देश में तो प्राय सारे गवर्नर ब्रिटिश से आते थे और वो हर एक राज्य को कंट्रोल करते थे और ये देखते थे कि उस राज्य की निष्ठा अंग्रेजों के प्रति बनी रहे। अब वही काम गवर्नर के रूप में सेंटर करा रहा है, सेंटर ने अपने प्रतिनिधि के रूप में भेज दिया और वो सेंटर के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ काम कर रहा है और सेंटर में यदि किसी दूसरी पार्टी की सरकार है और राज्य में किसी दूसरी पार्टी की सरकार है तो ऐसे में बहुत सारी कंट्रोवर्सी होने का भी स्कोप रहता है। नहीं, ये जो शब्द आपने इस्तेमाल किया है ना, पहले जो गवर्नर आते थे ब्रिटिश पीरियड के टाइम, उनका काम था ये देखना कि वहाँ पर जो सरकार बनी है वो अंग्रेज़ों के हिसाब से, यहाँ ऐसा काम नहीं है कहीं भी। यहाँ फेडरल करेक्टर है, हर स्टेट के अंदर डिफरेंट पार्टी की सरकार हो सकती है, इसलिए वो ऐसा लक्ष्य कहीं नहीं है। यहाँ तो हमारा एक ही लक्ष्य है कि ये सुनिश्चित करना कि सरकार संविधान के अनुसार चल रही है, विधि सम्मत सरकार चल रही है और हर आप वो काम कर सकते हैं जो देशवासियों या अपने उस राज्य के वासियों के हित के लिए कोई भी कार्य हम कर सकते हैं कर रहे हैं। मुखी जी, आपका ज़्यादातर समय दिल्ली में बीता, दिल्ली में आपने एज फाइनेंस मिनिस्टर बहुत अच्छा काम किया, आपको बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर का, प्लानिंग मिनिस्टर का भी अवार्ड मिला था, हायर एजुकेशन में भी आप रहे, वहाँ भी आपने काफ़ी परिवर्तन लेकर आए। अब असम बिल्कुल डिफरेंट स्टेट है, वहाँ की समस्याएं भी बिल्कुल डिफरेंट हैं, आप कैसा फील करते हैं? देखिए, मैं यदि ये सवाल मेरे से आप पहले पूछते जब मैं अंडमान के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर था तो वहाँ मैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी था, यहाँ मैं हेड ऑफ द स्टेट हूँ। वहाँ हमने परफॉर्मेंस उस नाते से पूरी परफॉर्मेंस दी है। आपने वहाँ की जेलों में भी कुछ शायद परिवर्तन किए थे? वहाँ मैंने बहुत कुछ किया है, उसकी चर्चा हो जाएगी तो लंबी हो जाएगी। वहाँ तो मैंने 40% टूरिज्म बढ़ाया है एक साल के अंदर अगेंस्ट 9% प्रीवियस ईयर्स, और वहाँ पर लिकर का कंजम्पशन 9% की रेट से बढ़ रहा था उसको हमने 40% की रेट से कम करके दिया है। ये एक ऐसी उपलब्धि है जिसके लिए क्या कुछ किया होगा वो शायद समय नहीं है इतना बताने का, किंतु हम उस कहानी को छोड़ दें। आज गवर्नर के नाते जो है, जो आपने सवाल किया है, मैं समझता हूँ गवर्नर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं कि जितनी सरकार की पॉलिसीज़ हैं, निर्णय हैं केंद्र सरकार के या राज्य सरकार के, उनका अनुपालन हो जगह जगह पर, मॉनिटरिंग करके आप ये देख सकते हैं, जिसका बहुत बड़ा लाभ उस प्रांत के वासियों को और सरकार को बुरा लाभ मिलता है उसका। जहाँ तक आपने कहा चैलेंजेस की बात, ये एक चैलेंजिंग स्टेट है असम, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहाँ सबसे बड़ी जो इशू है वो सिक्योरिटी का है। आज से साढ़े तीन साल पहले तक ज़बरदस्त इंसर्जेंसी थी, आज इंसर्जेंसी पिछले कुछ समय से 5-7% बची होगी, किंतु इन दिनों थोड़ा सा पिछले एक महीने के अंदर फिर से जागना शुरू हुआ है।
उसका कारण ये है कि वहाँ पर विकास के कार्यों की चर्चा मैं एक मिनट के लिए छोड़ दूँ, यदि जो बहुत कुछ विकास कार्य हो रहे हैं वहाँ पर, भ्रष्टाचार को लगाम लगाने के लिए ज़बरदस्त काम किए गए हैं। मेरे विचार से पहली सरकार है हिंदुस्तान के राज्यों के अंदर जहाँ 27 सिविल सर्वेंट्स ऑफिसर्स आईएएस या अपने स्टेट सिविल सर्विसेज के जो आईएएस रैंक ऐसे 27 लोगों को अरेस्ट करके जेल के अंदर डाला गया, 6 महीने तक 8 महीने तक बेल भी नहीं हुई, ये कहीं और नहीं देखा हुआ आज तक भी। तो उसके कारण भ्रष्टाचार पर काफ़ी हद तक लगाम लगा है, जिसका श्रेय वहाँ के मुख्यमंत्री को जाता है जिन्होंने स्टेट फॉरवर्ड होकर इस प्रकार की कार्रवाई की है। किंतु वहाँ पर आज इश्यू जो है वो है एनआरसी, बेसिक इश्यू वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के अंदर और असम के अंदर विशेष रूप से, ये नागरिक रजिस्टर के अंदर नाम आना, उसके लिए कोई पहले पैक्ट हुए हैं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के अंदर ये सारा काम चला और पॉपुलर वहाँ पर डिमांड है और सरकार भी ये कहती है, केंद्र सरकार भी ये कहती है कि वहाँ पर कोई भी विदेशी नागरिक नहीं रहना चाहिए, उसको बाहर भेजना चाहिए। उसको लेते हुए सारा ये रजिस्टर तैयार किया गया जो नेशनल रजिस्टर ऑफ पॉपुलेशन, यद्यपि हर राज्य में 51 से बना हुआ, उसके बाद कहीं हुआ नहीं, आज उसका हुआ तो उसमें पता लगा कि 40 लाख लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने क्लेम नहीं किया, जिनका नाम उसमें अंदर नहीं आ सका है। फिर से टाइम दिया है आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने, अब उसे 31 दिसंबर तक का और टाइम दिया है। हम उम्मीद करते हैं कार्रवाई पूरी हो जाएगी और ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज प्रदेश के अंदर हुई है जो मैं समझता हूँ पूरे देश के लिए एक आई ओपनर होगा, पूरे देश के लिए असम के ऑफिसर एक संपत्ति के रूप में साबित होंगे, उनका जो एक्सपीरियंसेस हैं वो काम में आएंगे। और जैसे असम के अंदर किया गया है, जिनका नाम रजिस्टर के अंदर नहीं आया तो उनको निश्चित रूप से वो विदेशी डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं रहेगा, उन्हें वहाँ पर सुविधाएँ समाप्त हो जाएंगी, उनको डिपोर्ट करना होगा, ये सब काम चलेगा। किंतु मेरा ये मानना है केवल मात्र असम के अंदर ये काम करना पर्याप्त नहीं है। आपने वहाँ ये काम किया, वहाँ के लोग जो विदेश से आए हैं वो दूसरी स्टेट में चले जाएंगे। आपको लगता है इतनी बड़ी संख्या जो 40 लाख की है उनको डिपोर्ट कर पाएंगे, ये प्रैक्टिकली फिजिबल हो? नहीं कह रहा डिपोर्ट कर पाएंगे, मैं सही, ये अलग अलग तरीकों में होगा, मतलब कुछ ऐसे होंगे डिपोर्ट होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनको वर्क परमिट दिए जा सकते हैं, कुछ ऐसे होंगे इल्लीगल रहेंगे। आज हिंदुस्तान के लोग अमेरिका में इलीगल नहीं रहे क्या? रह रहे ना, यहाँ मिले। किंतु एक नेट अचीवमेंट जो इसका होगा, एनआरसी का फायदा होगा कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये फॉरनर हैं, उन्हें भी पता लग गया कि हम फॉरनर हैं, सरकार को भी पता ये फॉरनर हैं, दे कैन नॉट क्लेम एनी राइट एज ए सिटीजन ना, सूनर और लेटर उनको पता है हम रह रहे हैं तो इलीगल रह रहे हैं, ये आभास उनके पास पूरे जानकारी में रहेगा। तो ये अपने आप में पर्याप्त है कि अल्टीमेटली ये नंबर कम होता चला जाएगा। मुखी जी, आपकी कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स रहती हैं गवर्नर रहते हुए, जैसे खास तौर से इलेक्शन के बाद में सरकार बननी है, किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, लार्जेस्ट पार्टी को इनवाइट करना है या सेकंड लार्जेस्ट को इनवाइट करना है, तो ऐसे में केंद्र की और गवर्नर की क्या भूमिका रहती है, कितना कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है मैटर? देखिए, इसमें केंद्र की कोई भूमिका नहीं होती, ये तो गवर्नर की डिस्क्रिशन पर है, वो किसको उस समय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रजातांत्रिक नियमों को ध्यान में रखते हुए किसको इनवाइट करना बेहतर होगा, कौन सरकार चलाने की स्थिति में है, किसके साथ मेजोरिटी है, इस सब का आंकलन करना पड़ता है गवर्नर को, उस आंकलन के आधार पर निर्णय लेंगे। उस आंकलन करने के अंदर कई तो हमारे एक ट्रेडिशन से उनको ध्यान में रखना है और कुछ हमारे सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है उनको ध्यान में रखना है, कुछ हमारे संविधान की जो रिक्वायरमेंट है उनको ध्यान में रखना है, कुछ जिस पार्टी ने आपको भेजा है, कुछ आपने अपने दिमाग से जो ठीक लगता है उस समय वो निर्णय करना है। जो आप कहना चाह रहे हैं ऐसा कभी नहीं होता राजनीति का, इसमें कहीं राजनीति में कहीं कहीं रोल नहीं होता, कभी भी नहीं होता
किसी भी स्टेट में नहीं होता। जो एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी आप लेकर के आ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप पूरे ईस्टर्न जोन को प्रगति की ओर लेकर के जाना चाहते हैं, वो क्या है और उसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट करेंगे? देखिए, मैं बहुत ही तारीफ करूंगा, वर्तमान सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को बदल करके एक्ट ईस्ट पॉलिसी, पहले लुक ईस्ट पॉलिसी थी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन किया है और उसका परिणाम सामने आए हैं। आज सोच जो है वो ये है कि 1950 तक नॉर्थ ईस्ट के लोगों की, यानी असम के लोगों की पर कैपिटा इनकम नेशनल पर कैपिटा इनकम से कहीं ज़्यादा हुआ करती थी, किंतु आज बिल्कुल पिछड़ गए। क्यों? उसका कारण ये है कि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने जितनी भी योजनाएं बनाई हैं वहाँ पर विकास की, उनका रूट ओनली थ्रू द चिकन नेक, वो पॉसिबल नहीं है। आज सरकार ने अपनी नीति बड़ी स्पष्ट करके कि हमने असम और नॉर्थ ईस्ट का विकास करना है, नॉट ओनली थ्रू द चिकन नेक, रादर थ्रू द नेचुरल बाउंड्रीज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वहां के रहने वालों को, लोगों का पहले व्यापार हुआ करता था उधर, देश का विभाजन हुआ 47 के उत्तर समाप्त हो गया, इंसर्जेंसी बढ़ती चली गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, इंसर्जेंसी बढ़ी। आज उस सबको समाप्त करने के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी की ये सोच है कि हमारे आसियान कंट्री के अंदर हमारा ट्रेड नॉर्थ ईस्ट का डेवलप हो, वहां के लोग ट्रेड अमृतसर से करें वाजिब नहीं है, चिटगांव से करें ज्यादा बेहतर है, बिल्कुल पास में, उस स्थिति को ला रहे हैं और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए जा रहे हैं जबरदस्त। वो रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा एयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ये कोशिश की जा रही है कि गुवाहाटी जो असम की कैपिटल है वो एक एंट्री गेट है फॉर आशियन कंट्रीज ट्रेड के लिए, पूरे नॉर्थ ईस्ट का और रादर पूरे इंडिया का, उसको इस प्रकार का डेवलप किया जाए। वहाँ पर हमारी विभिन्न उन देशों की कंसुलेट ऑफिसेज वहाँ पर खुले, ये कोशिश है। अभी दो ऑफिस खुले हैं, ढाका ने खोल दिया है, भूटान ने खोल दिया है, बाकी कंट्रीज खोलने की रगह पर हैं। कनेक्टिविटी इतनी ज़बरदस्त कर दी है, 92 नई फ्लाइट्स नॉर्थ ईस्ट के लिए सेंक्शन की हैं, जिसमें 36 ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं इस एक साल से पहले अंदर अंदर की हैं। इस एक साल के अंदर 14 नई ट्रेन शुरू कर दिए हैं। इस एक साल के अंदर, मैं एक साल रहा हूँ, मैं इसलिए एक साल कह रहा हूँ, इस एक साल के अंदर यानी आज तेज़ी के साथ वहाँ 300 किलोमीटर इलेक्ट्रिक रेलवे का काम चल रहा है और बड़ी जल्दी माइट बी एट द एंड ऑफ द 20 से पहले पहले हमारा गुवाहाटी तक डबल रेलवे कंप्लीट हो जाएगा। ये इतना फास्ट इसे चल रहा है, डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए ध्यान में रखते हुए वहाँ पर आप, ये एक इशू है, वहाँ पर कनेक्टिविटी पुअर है, आप समझते हैं इसे अच्छी तरह से। इसको रिमूव करने के लिए गुवाहाटी को हम इंटरनेशनल हब बनाना चाहते हैं फॉर डिजिटल कनेक्टिविटी। आज वो चेन्नई है, सब जगह कनेक्शन वहाँ चेन्नई से आते हैं, तो कॉस्टली पड़ता है और कनेक्टिविटी पुअर रहती है। हम एक कनेक्शन ले रहे हैं ढाका से, कॉक्स बाज़ार से, जिस दिन वो मिल जाएगा हमें, जो उम्मीद कर रहे हैं, तो हमारी कनेक्टिविटी बहुत इंप्रूव हो जाएगी, 10 times इंप्रूवमेंट हो जाएगा और हमारी कॉस्ट है डिजिटल कनेक्टिविटी की बहुत कम आ जाएगी। इस फील्ड में भी कर रहे हैं और जैसे बताया, हम सभी कंट्रीज के साथ रिलेशन बना करके, जैसा आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने पिछले 2-3 साल से लगातार इन देशों के साथ टाई अप करके अल्टीमेटली 25 जनवरी पिछले साल उन सबको यहाँ आमंत्रित किया था, एग्रीमेंट्स हुए सबसे, ट्रेड एग्रीमेंट सारे सब 10 के 10 आसियान कंट्रीज के साथ, और उन 10 कंट्रीज के मुखिया को यहाँ पर 26 जनवरी में मुख्य अतिथि रखा। वहाँ कनाडा, यूएस, यूके, जर्मनी या जापान वालों को नहीं बुलाया, आसियान कंट्रीज को बुलाया। किस लिए बुलाया? कि नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट उनके साथ संबंधित है, उनका ट्रेड वहाँ पर होगा, नॉर्थ ईस्ट डेवलप होगा, नॉर्थ ईस्ट डेवलप होगा तो हिंदुस्तान अपना आप डेवलप होगा। आपने ध्यान होगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि आप जब कोई मकान बनाते हैं तो सबसे पहले आज आर्किटेक्ट नहीं बुलाते आप, सबसे पहले आप
किसको बुलाते हैं? वास्तुकार को। आपने रख दीजिए मेरा प्लॉट है, ये बताओ। वास्तुकार पहला सवाल क्या कहता है, बताइए आपके प्लॉट में नॉर्थ ईस्ट कहाँ पर है? ऑस्पिशियस माना जाता है ना। तो ये जो उनकी सोच है कि नॉर्थ ईस्ट ऑस्पिशियस है, हमने नॉर्थ ईस्ट का विकास तेजी से करना है, नॉर्थ ईस्ट विकसित होगा तो पूरा देश विकसित होगा, ये सोच जो है प्रधानमंत्री जी, अपने आप में नॉर्थ ईस्ट में फास्ट डेवलपमेंट इस समय चल रहा है। लेकिन मुखी जी, क्या कारण है कि आजादी के 70-72 वर्ष बाद भी नॉर्थ ईस्ट अपने आप को अलग थलग सा महसूस करता है, वो देश की मुख्य धारा से नहीं जुड़ा? मैं वही कह रहा हूं, मुख्य धारा से कैसे होंगे जब आपकी कनेक्टिविटी नहीं रही है? मैं कह रहा हूं वही तो एक कमी थी, आज इतनी कनेक्टिविटी हो गई है, आज नॉर्थ ईस्ट के लोग लगातार डेली यहां से इधर से उधर से जा रहे हैं। आज नॉर्थ ईस्ट ने कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर अपना दबदबा बना लिया है। आप हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के अंदर सारा नॉर्थ ईस्ट आया हुआ है, एयर हॉस्टेस सब जगह आपको नॉर्थ ईस्ट के मिलेंगे। आप इंस्टीट्यूशन के अंदर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर जो डेस्क सर्विसेज सारी उनके हाथ में आ गई हैं, पूरे कंट्री के अंदर छा गए हैं वो। आज काफ़ी नॉर्थ ईस्ट आगे निकल गया है, किंतु अब उन्हें बाहर ना निकल के वहाँ विकसित करना है तो उस तरह की वहाँ पर सर्कमस्टांसिस क्रिएट किए हैं, उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, उस प्रकार का ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर चारों तरफ से जो विकास कर दे रहे हैं, और ख़ास तौर से हमारी कनेक्टिविटी बाय रोड विद द आशियन कंट्रीज के साथ लगभग तैयार हो गया है, और वो जिस दिन अभी ये लागू होगा, यानी लागू है किंतु बीच में कुछ अड़चने थी, उन सबको भी जो करना था म्यांमार मार्ग ने उन्होंने नहीं किया, तो हमारी सरकार ने अपने जिम्मे ले लिया, वो हमारा 31 दिसंबर 2019 तक हर हालत में कंप्लीट हो जाएगा, और पूरा ट्रेड थ्रू ये होगा बाई रोड। अब फास्ट हमारा ट्रेड डेवलप होगा, और नॉर्थ ईस्ट का विकास ट्रेड के अंदर है, और वो ट्रेड नॉर्थ ईस्ट का आशियन कंट्रीज का ट्रेड होगा तभी वो डेवलप होंगे। उस ओर हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार कार्य कर रही है। मुखी जी, नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है रिलीजन इम्बैलेंस की। असम क्योंकि बांग्लादेश के साथ लगता हुआ है, वहाँ पर मुस्लिम्स का इन्फिल्ट्रेशन है। कुछ एक स्टेट्स में क्रिश्चियन पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि हिंदू बहुत माइनॉरिटी में आ गए हैं। ये इसको आप कहीं ना कहीं राष्ट्र की सुरक्षा के साथ जोड़कर देखते हैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता, क्योंकि वहाँ का क्रिश्चियन भी किसी भी हिंदू से कम राष्ट्रभक्त नहीं है। वहाँ का अलग अलग जो ट्राइबल्स के लोग हैं वो अपने आप को हिंदू ना कहते हुए भी किंतु वो कट्टर हिंदू हैं, और वो कट्टर राष्ट्रवादी है, मैं ये कहना चाहता हूँ। केवल दिक्कत ये थी कि उनका कनेक्टिविटी चाइना के साथ तो थी, हिंदुस्तान के साथ नहीं थी, इसलिए ऐसा कुछ सवाल जैसा आप करें कुछ लोग करते हैं, किंतु अब इतना कनेक्टिविटी हो गई है लास्ट विलेज तक हमारे हिंदुस्तान के साइड में, और पूरे देश के साथ कनेक्टिविटी इतनी हो गई है, आज वो जो एक कमी नज़र आती थी वो कमी दूर हो गई है। इस रूप में मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, जो नॉर्थ ईस्ट वाले यहाँ पर अपना कार्यक्रम करते हैं, आप उस कार्यक्रम कल्चर कार्यक्रम को देखिए एक बार, उस कार्यक्रम के कम से कम भी 50,000 लोग दिल्ली के अंदर होते हैं कार्यक्रम देखने वाले, यानी नॉर्थ ईस्ट में अपनी विशेषताएं हैं। यदि वो आर्थिक दृष्टिकोण से उतना एडवांस नहीं है किंतु सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत समृद्ध हैं, रिलीजियस दृष्टिकोण से बहुत समृद्ध हैं, लिटरेचर के अंदर बहुत समृद्ध हैं। असम के लोग लिटरेचर में सबसे आगे हैं हिंदुस्तान के अंदर, कल्चर प्रोग्राम में सबसे आगे हैं, तो उनकी अपनी विशेषताएं हैं। और यदि वो आर्थिक रूप से कुछ पिछड़े रहे हैं, इतना एडवांस नहीं आ सके, उसके पीछे उनकी एक ऐतिहासिक भूमिका है, एक ऐसी भूमिका रही है वहाँ पर लैंड बहुत ज़्यादा होती थी, बारिश होती है, आपने धान छोड़ दिया और बाद में काट लिया। हरियाणा की तरह से नहीं है, खेत तैयार करने के लिए 1.5 महीने लगेगा, ऐसा वहाँ नहीं है, वहाँ तो बड़ी इजी लाइफ हुआ करती थी, और उस इजी लाइफ में जो मिला उससे गुजारा करेंगे, बाकी सारा समय अपना साहित्यिक क्षेत्र के अंदर या सांस्कृतिक कार्यक्रम इसी के अंदर लगाएंगे, इसमें ज़्यादा वो आगे बढ़ गए हैं, किंतु अब वहाँ पर आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत तेज़ी से विकास शुरू हुआ है। जब से प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर आए और एक असम एडवांटेज समिट वहाँ हुई, पूरे विश्व से लोग वहाँ पर आए और अलग अलग कंट्रीज़ के एम्बेसडर सब वहाँ रहे, देश के टॉप इंडस्ट्री सब वहाँ पर रहे, और
उस दो दिन की समिट के अंदर 1,68,000 करोड़ रुपए के वहां पर MOU साइन हुए, इन्वेस्टमेंट वहां आ रहा है, तो अब तेजी से वहां पर आर्थिक विकास भी होने वाला। आप गवर्नर होने के नाते से वहां की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उसके भी आप चांसलर हैं, तो एजुकेशन के फील्ड में कुछ विशेष रूप से आप कुछ कर रहे हैं? देखिए, वहां दो यूनिवर्सिटीज तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, एक उनमें से तेजपुर यूनिवर्सिटी बहुत आगे है, हिंदुस्तान की अनेक यूनिवर्सिटी से बहुत आगे, सबसे आगे हिंदुस्तान की 5वें 6वें नंबर पर यूनिवर्सिटी में उसका नाम आता है जी, इसलिए वहाँ उसके बारे में मुझे कुछ एडिशनल करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। किंतु जो सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी वहाँ पर है हिंदुस्तान के अंदर, 24वीं यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई थी गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के नाम से 1948 के अंदर, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, अच्छा नाम है यूनिवर्सिटी का, और उसको इम्प्रूव करने के लिए हमने कई नए डिसीजन लिए हैं कि किस कारण से एकेडमिक स्टैंडर्ड यदि हमारा कम रहता है तो क्यों रहता है, वो स्टडी करके हमने स्वयं निर्णय लिए हैं, उसे इम्प्लीमेंट कराया है थ्रू एकेडमिक काउंसिल EC से पास करा के हमने उसे लागू भी कराया है। जो उनको सरकार के साथ टाई अप करने के अंदर कमी रही थी उसको जिम्मेवारी अपने ऊपर लेकर मैंने मदद की है ताकि जो कमी है वो सारी दूर हों, और इसी के साथ ही जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं 14 यूनिवर्सिटीज़ इस समय हैं जिनका मैं चांसलर हूं, उन 14 के 14 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स की मैंने फुल डे कॉन्फ्रेंस रखी है ताकि एक कोऑर्डिनेशन रहे सारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, एक डायरेक्शन के अंदर बने, उसके लिए भी हमने डायरेक्शन दी है। और मैंने ये भी सुनिश्चित किया है जो वहाँ सिलेक्शन कमेटीज़ होती हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वाइस चांसलर के लिए सर्च कमेटीज़ होती हैं, उसमें टॉप के लोग आने चाहिए जिनका निर्णय अबाव बोर्ड माना जाता है, ऐसे लोगों को वहाँ पर इंडक्ट किया है पहली बार, ये सभी वहाँ पर मानते हैं कि ऐसे ऐसे लोग ला रहे हैं जिनके बारे में कभी कोई उंगली नहीं उठा सकता, तो निश्चित रूप से ऐसे लोग होंगे निष्पक्ष रूप से टॉप एकेडमिशियन जो हैं वहाँ पर आएंगे, तो वहाँ पर लेवल जो है एजुकेशन का ऊँचा जाएगा, ऐसी मैं आशा कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मुखी जी, आपने सभी विषयों पर हमें नॉर्थ ईस्ट के बारे में जानकारी दी और ख़ास तौर से असम के बारे में, और हम उम्मीद करते हैं आपकी गवर्नरशिप में डेफिनेटली असम बहुत अच्छी प्रगति की ओर बढ़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। तो ये थी बातचीत असम के गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी जी से। अगले सप्ताह प्लस माइनस कार्यक्रम में एक नई शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार।